शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं, तो चरणों तक ले जा। पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा, जो आए वो भर कर जाए, भले दो बूंद लेकर आओ पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। हमारी माताएं बड़ी प्रेम से कहती हैं, आप लोगों के मन में भी ये बात जरूर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा, घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिम में आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है, भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और दो बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है, वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है, वो पवित्र गंगा जल बन जाता, उसको लेकर प्रवेश कर जा, उसको लेकर पहुंच। तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं, तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगी लाए, बहुत रोगी लाए, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर देखो, तो शिव महापुराण स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी, केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल है। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। तीन तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया, इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया, और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है
और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो शंकर, वो कामना आपकी पूर्ण कर दे।